नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरित्र ज्ञान में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस महिला और पुरुष के इस अंग पर अगर तिल हो तो वो सबसे ज्यादा काम शक्ति में लिप्त रहने वाले और पराये व्यक्ति से संबंध रखने वाले माने जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति सबसे ज्यादा धोखा देने में माहिर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक स्त्री और पुरुष के इन अंगों पर तिल का होना काफी कुछ संकेत देता है, जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा को पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर एक, अंडकोश पर तिल का होना। अगर जिस पुरुष के यहाँ पर तिल हो तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े सारे राज हमेशा गुप्त रखते हैं। वो कभी किसी को नहीं बताते, साथ ही वो अपनी प्रेमिका को कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसे व्यक्ति के कहीं सारे संबंध हो सकते हैं। वहीं पुरुष के दोनों अंडकोश पर कहीं सारे धब्बे और तिल हो तो वो कहीं सारी बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। दोस्तों, नंबर दो, महिलाओं के नीचे तिल का होना। जिस महिला के अगर नीचे की तरफ दाई बाई और ऊपर नीचे तिल हो तो वो महिला दूसरों की तरफ आकर्षित होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाती। ऐसी महिला के कहीं तरह के संबंध हो सकते हैं और ये आपको धोखा भी दे सकती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस महिला के शरीर पर अधिक से ज्यादा तिल हो तो वो बहुत ही अशुभ लक्षण माना जाता है। दोस्तों, नंबर तीन, केले पर तिल का होना। जिस पुरुष के यहाँ पर तिल होता है तो वो व्यक्ति अधिक से अधिक वासना में लीन रहता है। ऐसा पुरुष किसी एक से संतुष्ट नहीं रहता, इनके भी कई तरह के संबंध हो सकते हैं। वहीं पुरुष के यहाँ पर ज्यादा दाग धब्बे का होना कोई भयंकर बीमारी होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों, नंबर चार, छाती पर तिल का होना। अगर जिस पुरुष की छाती के नीचे बाईं तरफ तिल हो तो वो व्यक्ति दिल का पवित्र और अपने जीवन साथी को हमेशा खुश देखना चाहता है। और वहीं महिलाओं की छाती पर बाईं तरफ तिल हो तो ये शुभ लक्षण माना जाता है, लेकिन दाईं तरफ छाती के नीचे तिल हो तो इसे अशुभ लक्षण माना जाता है। दोस्तों, नंबर पाँच, हथेली पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दाएं हाथ की हथेली के बीचों बीच या उंगलियों में तिल हो तो वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति कभी ना कभी धनवान अवश्य बनता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।